नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग फॉर यू में। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। तो मैंने हाल ही में पार्ले जी बिस्किट से केक बनाना सिखाया है, तो रेसिपी ज़रूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर हम चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बर्बन बिस्किट। तो मैंने यहाँ पे बर्बन बिस्किट के कुछ क्रीम निकाल दिए हैं, जो कि मैंने पार्ले जी बिस्किट का जब केक बनाया था उसमें यूज़ किया था इसे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीबन 2 पैकेट बर्बन बिस्किट, और इसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया हुआ है। तो अब हम इसे इस तरह से तोड़ते हुए ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एक भी टुकड़े ना रहें, ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाना चाहिए। अगर टुकड़े हैं तो आप उसे निकाल लीजिए या तो छान लीजिए। तो यहाँ पर हमने इनका बिल्कुल इस तरह से जो पाउडर है तैयार किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीबन 1 कप दूध। तो हमें दूध थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते हुए मिक्स करना है। तो इस तरह से इसे कंटिन्यू ऐसे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसका जो बैटर है वो हम तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि दूध थोड़ा ही ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करें, नहीं तो ये बैटर बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसमें करीबन 1 कप दूध और थोड़ा सा इसमें जो दूध बच चुका है हमने यहाँ पर ऐड किया। आप देख सकते हैं हमने 1 कप दूध लिया था, उसमें से इतना दूध बच गया है। तो अब मैंने यहाँ पर करीबन 1 टेबल स्पून चॉकलेट एसेंस डाला है और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम मोल्ड के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का बर्तन लिया है। आप चाहें तो मोल्ड भी ले सकते हैं। हम इसे ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क के इस तरह से चारों तरफ फैला देना है। बिल्कुल बहुत ही आसान है, आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो अब हमें लास्ट टू लास्ट इसमें ऐड करना है बैटर में इनो। आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इनो से बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और बहुत ही आसान तरीके से केक बन जाता है। तो यहाँ पर हमने इनो को ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे इस तरह से बर्तन में निकाल लेना है और इसे थोड़ा सा टैप कर लीजिए, इसमें जो बबल्स है वो निकल जाने चाहिए। तो अब हमने कुकर को 15 मिनट पहले ही इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करके बिना रबड़ और सीटी के रख दिया था उबलने के लिए। तो भाप तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हमने 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखा था। तो अब हमें इसमें बैटर को रखने के बाद हमें ऊपर से इस तरह से कपड़ा कोई भी रख देना है और इसे हम 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद हम फ्लेम को रख देंगे मीडियम। तो यहाँ पर हमने करीबन इसे 20 से 25 मिनट तक पकाया है। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे कि पक चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर जब इस तरह से चक्कू में कुछ भी ना लगे तो मतलब हमारा जो केक है वो तैयार हो गया है। इसे करीबन मैंने 25 मिनट तक पकाया है। तो ये इतना जल्दी इसलिए पक के तैयार हुआ क्योंकि ऑलरेडी हमने पानी को 15 मिनट तक गर्म करके रखा था। तो अब हमें कोई भी गीला कपड़ा इस तरह से ऊपर से डालना है ताकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है कड़क हो जाता है, वो कड़क ना हो। तो अब हम इसे निकाल लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो इस तरह से करते हुए पीछे से थोड़ा से इसे ऐसे टैप करें और बहुत ही आसान तरीके से ये केक निकल जाता है। ये जो हमने मैदा लगाया था वो लग गया है बैक साइड में। तो यहाँ पर जो केक है वो तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है। बिल्कुल हमने बिस्किट से चॉकलेट केक ऑलमोस्ट आधा रेडी कर लिया है। तो अब हम केक को कट करेंगे। केक को कट करना बहुत ही आसान है। कोई भी इस तरह से धागा लीजिए, मोटा धागा होना चाहिए, और इसे इस तरह से क्रॉस करते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींच लीजिए। तो हमारा जो केक है वो कट के रेडी हो चुका है। दोस्तों, मैंने पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही टेस्टी केक बनाना सिखाया है, उस रेसिपी को ज़रूर चेकआउट करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली कटा है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमने उसे रख लिया है। तो ऊपर से मैंने यहाँ पर येलो विप्ड क्रीम में मैंने येलो कलर मिलाया है और इसे इस तरह से ऊपर की तरफ से डेकोरेट कर दिया है। और उसके बाद हमने इस तरह से जो सेकेंड पार्ट है उसे रखा है और यहाँ पर मैंने क्रीम को रखा है और इसे भी हम चारों तरफ फैलाते हुए लगा लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मैं स्पैचुला की सहायता से इसे चारों तरफ लगा रही हूँ। दोस्तों, व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी मैंने हाल ही में शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करना ना भूलें। मैंने बिना मशीन के भी व्हिप्ड क्रीम बनाना सिखाया है और चॉकलेट केक भी मैंने बिना व्हिप्ड क्रीम के बनाना सिखाया है, तो उसे भी चेकआउट करना ना भूलें। तो यहाँ पर ये हमने अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से व्हिप्ड क्रीम लगा दिया है और अब हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। तो यहाँ पे हमने डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से ऊपर से ऐड कर देंगे बिल्कुल। ये थोड़ा सा गर्म ही है तो इस तरह से चारों तरफ हम इसे ऐड कर देंगे और जो साइड कॉर्नर में
बाजू में आ रहे हैं उसे हम स्पैचुला की सहायता से निकाल देंगे और जो नीचे की तरफ है उसे भी हम इस तरह से बिल्कुल फैला देंगे। दोस्तों आप चाहें तो डार्क चॉकलेट को थोड़ा ठंडा होने दें अच्छी तरह से, उसके बाद ऐड करें। तो अगर थोड़ा सा गर्म ऐड करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे शेड्स बन जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे गर्म ही डार्क चॉकलेट को ऐड कर दिया था। तो इसके बाद हम इसे 10 मिनट के फ्रिज में रखेंगे और ये सेट हो जाएगा और उसके बाद हम निकालेंगे। और थोड़ा सा हमने डार्क चॉकलेट जो ठंडी हो चुकी है वो ऊपर की तरफ इस तरह डाला है और यहाँ पर मैंने डेयरी मिल्क और मिल्क चॉकलेट ले लिया है जिससे मैं इसको ऊपर की तरफ से डेकोरेट कर रही हूँ। तो बिल्कुल इस तरह से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए यहाँ पर हमने केक को कट करके भी देख लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और साइड में कितने अच्छे से इसका शेड बना है। तो इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी बनाई रेसिपी कैसी लगती है। और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।